जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरड्राफ्ट के विषय में। जी हां दोस्तों, अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट है, आपका किसी भी बैंक में खाता है, तो फिर आपको इस टॉपिक की जानकारी होनी ही चाहिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि आखिर बैंक में ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट का इस्तेमाल किस तरीके से और कैसे किया जा सकता है, और इसका इस्तेमाल करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये सभी टॉपिक्स आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि आखिर ये ओवरड्राफ्ट क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ओवरड्राफ्ट बैंक की तरफ से दी जाने वाली एक लोन फैसिलिटी है। आप इसको बैंक का एक फीचर भी कह सकते हैं। जैसे बैंक आपको सेविंग अकाउंट के तहत आपको डेबिट कार्ड देती है, क्रेडिट कार्ड देती है, जैसे ये फैसिलिटीज होती हैं, उसी तरीके से ये जो ओवरड्राफ्ट है, ये भी बैंक की एक फैसिलिटी होती है जो कि हर तरह के बैंक अकाउंट होल्डर को दी जाती है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओवरड्राफ्ट के अंदर बैंक आपको एक लोन देने का काम करती है, और ये लोन आपको तभी दिया जाता है जब आपके खाते में जो बैलेंस है, जो आपके खाते की जो धनराशि है, वो जीरो से नीचे चली जाती है, यानी कि नेगेटिव में चली जाती है। दोस्तों इस तरीके की जो फैसिलिटी है, इसको अक्सर यूज़ करते हैं वो लोग जो किसी तरह का कोई बिजनेस करते हैं, किसी तरह की कोई चेक पेमेंट करते हैं, यानी कि उनका जो डेली का जो ट्रांजेक्शन्स करने होते हैं, कैश फ्लो यानी कि डेली का उनको पैसे का लेन देन इधर से उधर करना होता है, ऐसे लोगों के लिए ये जो फैसिलिटी है ओवरड्राफ्ट की, ये बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैंक में जाकर आपको इस फीचर को या फैसिलिटी को, जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट, इसको आपको एक्टिवेट कराना होता है अपने अकाउंट के लिए। ये ऑलरेडी आपके अकाउंट में एक्टिवेट नहीं होती। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को ऑन करवाते हैं, तो बैंक के जो कर्मचारी हैं वो ये देखते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है बैंक के साथ, यानी कि आप अपने खाते में जो पैसा रखते हैं उसका जो बिहेवियर है वो कैसा है, यानी कि आपके अकाउंट में का जो एवरेज बैलेंस है वो क्या रहता है, आप समय पर पैसा अपने अकाउंट में डाल पाते हैं या नहीं डाल पाते, आपका जो मिनिमम बैलेंस रहता है वो कितना मेंटेन रहता है, इन सब चीज़ों को देखने के बाद बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। दोस्तों अब बात आती है कि ये जो ओवरड्राफ्ट होता है, ये दो तरीके का होता है। पहला होता है सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड। दोस्तों सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट में क्या होता है कि बैंक आपसे कोई भी कोलेटरल मांगती है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसको आप अपने बैंक के पास गिरवी रख सकते हैं उस पैसे के बदले में जो बैंक आपको लोन के तहत देने वाली है। वो आपके कोई शेयर्स हो सकते हैं, वो आपका कोई बॉन्ड हो सकता है, वो कोई आपकी FD हो सकती है, वो कोई भी आपकी ऐसी चीज हो सकती है जिसको आप अपने बैंक के पास रख सकते हैं। वही दूसरी तरह का जो ओवरड्राफ्ट होता है वो होता है अनसिक्योर्ड। इसमें बैंक आपसे किसी भी तरह का कोई कोलेटरल नहीं मांगती, यानी कि कोई भी ऐसी चीज नहीं मांगती जिसको आपको बैंक के पास गिरवी रखना पड़े। बैंक सिर्फ आपके अकाउंट के बिहेवियर को चेक करेगी और उसके बाद आपको एक लिमिट देगी कि हाँ इस लिमिट तक आप अपने अकाउंट से ओवरड्राफ्ट के तहत इस लोन को ले सकते हैं। दोस्तों ये तो हुआ कि ओवरड्राफ्ट क्या है, लेकिन अगर आपने ओवरड्राफ्ट की जो मनी है उसको यूज किया है, उसको आप रीपे कैसे करेंगे और इसके लिए आपको कोई फीस देनी पड़ेगी कि नहीं, तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप फर्स्ट टाइम अपने अकाउंट में ओवरड्राफ्ट को एक्टिवेट करवाएंगे तो आपको एक वन टाइम फी पे करनी होती है, जिसको हम ओवरड्राफ्ट की प्रोसेसिंग फीस के नाम से जानते हैं। इसके बाद दोस्तों जब आप उसमें से अकाउंट में से पैसा निकालेंगे ओवरड्राफ्ट के तहत, तो फिर वहां पर आपको एक इंटरेस्ट रेट पे करना होता है, यानी कि ब्याज दर जो होती है वो आपको उस अमाउंट के साथ में पे करनी होती है। दोस्तों ये जो ब्याज दर होती है, ये आपके जो कह सकते हैं पर्सनल लोन के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम होती है, तो ऐसे में यहां पर आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ये है कंप्लीट कॉन्सेप्ट इस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का, जो कि बैंक द्वारा आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे जानकारी भरे वीडियोस को फ्यूचर में देखने के लिए।